top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. जो मैंने बयान सुने वो कहते हैं हम इस मुद्दे के खिलाफ नहीं है और इस मुद्दे के खिलाफ कोई जाता है तो इसका मतलब वो देशद्रोही है। मैं तो सीधा बोलता हूं क्यों, क्योंकि मैं इसमें गलत क्या किया? हम किसी के घर में डाका मार रहे हैं क्या? किसी ईमानदार आदमी की कमाई छिन रहे हैं क्या? जिसके पास ईमानदारी का पैसा उसके ऊपर तो कोई बात आती नहीं आ रही। तो कोई भी व्यक्ति सरकार के इस मुद्दे का विरोध नहीं कर सकता, कोई राजनीतिक पार्टी भी इस मुद्दे का विरोध करेगी तो मुक्की खाएगी और वो भी देशद्रोही कहलाएगी। तो राजनीतिक पार्टियां चाला किससे कर क्या रही है? कहते हैं मुद्दे का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, प्रोसीजर का हम विरोध कर रहे हैं। तो प्रोसीजर में थोड़ा कष्ट हुआ है, सरकार उसमें यदि ध्यान और ज्यादा देती हो सकता कुछ समस्याएं कम हो जाती। अब यदि थोड़ा कष्ट हो भी रहा तो सहले उसको, तो लोगों को उससे गुस्सा तो है ना थोड़ा बहुत। तो प्रोसीजर को और थोड़ा ईजी किया जा सकता था, चाहे वो नोटों की सप्लाई को लेकर के है, एटीएम की समस्या को लेकर के है। तो मुझे लगता है अब काफी चीजें 5-7 दिन में और ठीक हो जाएगी। तो थोड़ा दिन का कष्ट, अरे थोड़ी इतनी बड़ी व्यवस्था में यदि थोड़ा कष्ट भी हुआ है तो उसका परिणाम यदि बहुत बड़ा है तो थोड़ा कष्ट भी सहली है। बाबा जी, आपने कहा कि